हेलो दोस्तों, अभी हम आपको जास्को GPS G19S मॉडल है वो हम आपको मारुति की अर्टिगा में लगाना दिखाएंगे कि इसको हम मारुति अर्टिगा में कैसे फिट करेंगे। बेसिकली इस टाइप के बॉक्स में हमारा जास्को GPS का G19S मॉडल आता है। तो बॉक्स को हम ओपन करेंगे तो बेसिकली इसमें ये हमारा GPS ट्रैकर और इसकी वायरिंग आती है। तो अभी हम आपको दोस्तों इसका इंस्टॉलेशन दिखाने जा रहे हैं, जो कि मारुति अर्टिगा गाड़ी है। तो दोस्तों अभी हम आपको जास्को GPS का जो G19S मॉडल है उसका इंस्टॉलेशन दिखाने जा रहे हैं। बेसिकली हमने इसका स्टेयरिंग कवर का नीचे वाला हिस्सा खोल लिया है और जो जो इसमें इग्निशन स्विच की वायर है जो अर्टिगा में आती है वो ग्रीन कलर की होती है, जो कि ये हमने पिन समेत इसको बाहर निकाल लिया है। तो अभी हम आपको दिखाएंगे कि इसको हम अर्टिगा में कैसे इंस्टॉल करेंगे इसकी वायरिंग बेसिकली डिवाइस की। तो अभी दोस्तों देखो हम बिना वायर कट करे अर्टिगा में कैसे रिले का कनेक्शन को करेंगे। हमने ग्रीन वायर को ऑलरेडी उसको सॉकेट से रिमूव कर लिया है। अब ये हम रिले की एक ग्रीन वायर उसी सॉकेट में वापस डाल देंगे। ये हम वापस इग्निशन सॉकेट को लगा देंगे। ऐसे लगाने के बाद रिले का जो दूसरा वाला ग्रीन वाला हिस्सा है वो हम इधर जोड़ देंगे दूसरी वाली साइड में और टेप मार देंगे। ये रिले का तो हमने आपको रिले लगाने का तरीका बता दिया। इसमें आपकी वायरिंग गाड़ी की वायरिंग कहीं से भी कट नहीं होगी। अब हम इसमें प्रॉपर तरीके से टेपिंग कर देंगे। तो दोस्तों ये देखिए हमने इसको अभी ऐसे टेपिंग कर दिया है रिले का। अब हम आपको इसकी बाकी वायरिंग को कैसे कनेक्ट करना है उसका तरीका हम बताएंगे। तो दोस्तों अभी हम आपको जास्को GPS की जो वायरिंग है उसकी बताने जा रहे हैं। जैसा कि हमने आपको दिखाया है जो इग्निशन स्विच के वायर को हमने बाहर निकाला था, इग्निशन के स्विच के वायर और जो ऑरेंज वायर है उसको हमने एक साथ जो इग्निशन स्विच का वायर और रिले का ग्रीन इसको हमने स्विच के वायर को बाहर निकाला था, आपको हमने वीडियो में पहले ही दिखाया है। तो इसमें हमने क्या करा है, रिले का एक ग्रीन इस वाले स्विच के वायर में जोड़ दिया है और जो स्विच के अंदर जो वायर जा रही है ग्रीन उसको हमने वापस रिले में, जैसा कि हमने तरीका बताया था आपको, सॉकेट के अंदर डाल के सॉकेट को लगा दिया वापस और ऑरेंज वायर भी इसी वायर के साथ जोड़ दिया है। और जो हमारा रिले का वाइट और डिवाइस का रेड वायर है इसको हमने क्या करा है, जो 12 वोल्ट कंटिन्यू सप्लाई लाइन आई है उसमें इन दोनों को जोड़ दिया है। इसके बाद डिवाइस के अंदर जो हमारी दो पीली वायर है इसको हमने आपस में जोड़ दिया है और इसको अभी हम टेप कर देंगे। ये दो वायरों को आपस में जोड़ना है। इसके बाद जो हमारा अर्थिंग है, अर्थिंग हमने यहाँ पर
ये हमने इस पॉइंट में दिया हुआ है जो जीपीएस का। अब हम क्या करेंगे, हम जीपीएस डिवाइस को लेंगे, ये हमारा जीपीएस ट्रैकर है, इसमें हमने सिम कार्ड लगा दिया। इसमें आपको सिम कार्ड एयरटेल आईडी या वोडाफोन का लगाना है और इसमें मंथली 150 MB डेटा चाहिए। और इसको हम अब इसको ऑन कर लेंगे। ऑन करने के बाद इस कनेक्टर को हम आपस में कनेक्ट कर देंगे। तो देखिए जैसा कि जीपीएस में लाइट ब्लिंक होने लग गई है, तो ये हमारा जीपीएस इस तरीके से कनेक्ट हो गया। इसके अलावा इस डिवाइस के साथ माइक आता है, वो हम आपको दिखाते हैं। ये हमारा माइक है, इसको हम गाड़ी के अंदर कहीं भी लगा के छुपा देंगे। इसके अंदर इस माइक की मदद से हम गाड़ी में क्या बातें हो रही है उसको हम कहीं से भी मोनिटर कर सकते हैं डिवाइस में। तो ये इसका कनेक्टर है, इसको हमने आपस में जोड़ दिया और इसको अभी हम आप गाड़ी के अंदर कहीं भी छुपा देंगे। तो दोस्तों ये हमने आपको जो अर्टिगा कार है उसमें जास्को जीपीएस का जो G19S मॉडल है उसका इंस्टॉलेशन दिखाया। बाकी आपको वायरिंग में कुछ भी कन्फ्यूजन होती है, किसी भी गाड़ी में सेम कंसेप्ट से ये डिवाइस लगेगा, बाकी कुछ भी कन्फ्यूजन होती है तो आप हमें हमारे टोल फ्री नंबर पर कॉल कर सकते हैं। धन्यवाद।